Hello students, a warm welcome to this session of vocabulary from the Hindu editorial part 9. My name is Naveen Iyer, आप सभी का स्वागत करता हूँ. उम्मीद करता हूँ ये vocabulary sessions आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहे हैं. Not only for CDS, AFCAT or CAPF, this will be really effective for you across all competitive exams. कोई भी competitive exams के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये sessions आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा. सो बिफोर आई स्टार्ट अ कपल ऑफ थिंग्स आई लाइक टू टेल यू. जो लोग सी डी एस एंड एफ कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग रोज मुझसे जुड़ सकते हो. 2 बजे यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस सेशंस लेके आता हूँ ऑन द यूट्यूब अन अकेडमी डिफेंस मेंटर चैनल. और शाम में 8 बजे अन अकेडमी ऐप पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लिंक को आप क्लिक करिए, डाउनलोड करिए ऐप, इंस्टॉल इट एंड फॉलो मी. आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे उसके बारे में. सो चलिए शुरू करते हैं. वर्ड फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल. पहला वर्ड जो मैं लेके आया हूं आपके लिए दैट इज ईयर मार्क. ईयर मार्क का मतलब होता है टू कीप और इंटेंड समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. किसी पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर काम के लिए किसी चीज को अलग करके रख देना, जिसका मतलब हिंदी में कहते हैं चिन्हित करना. ओके, जैसे अगर मैं कहता हूं वी शुड ईयर मार्क अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ इन आवर सेविंग्स. वी मस्ट ईयर मार्क, छोटा अमाउंट जो है हर महीने आपको हटा के रख देना चाहिए सैलरी से, ईयर मार्क कर देना चाहिए कि इतना पैसा आपका सेविंग्स में जाएगा. दैट इज ईयर मार्क, चिन्हित करना. नाउ एडिटोरियल में सेंटेंस क्या था देखिए. The Union Cabinet's recent decision to earmark 2600 crore for providing banks with an incentive to promote digital payments has focused attention on India's welcome push to broaden and deepen alternatives to the most widely accepted method of payment worldwide, cash. So, sentence ka matlab kya hua? Union Cabinet's recent decision to earmark 2600 crore. ओके, यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन रिसेंटली लिया कि 2600 करोड़ जो है वो अलग चिन्हित अलग करके रख देंगे. किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग बैंक्स विद एन इंसेंटिव. बैंक को इंसेंटिव्स दिया जाएगा किसके लिए? अगर वो बैंक्स प्रमोट करते हैं डिजिटल पेमेंट्स. ओके, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स हैज फोकस्ड अटेंशन ऑन इंडियाज वेलकम पुश टू ब्रॉडन एंड डीपन ऑल्टरनेटिव. सो डिजिटल पेमेंट जब इम्प्रूव करते हैं और भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स लोग यूज़ करते हैं तो क्या होगा? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेथड, कैश के अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेथड के लिए के तौर पर काफ़ी ये फायदेमंद होता है. तो उसके लिए कैबिनेट ने ईयर मार्क करके रखा 2600 करोड़, जो कि वो इंसेंटिव्स के तौर पर देंगे बैंक अगर बैंक डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करते हैं. Now, that was the recent decision by the Union Cabinet. Okay? तो इसके कारण और भी avenues खुलेंगे और भी इसमें scope बढ़ेगा. Synonyms earmark का होगा dedicate, allocate, set apart और consecrate. अलग करके रख देना, चिन्हित करना, dedicate करना, allocate करना, set apart और consecrate. These are the synonyms for earmark. Antonyms होगा ignore, misuse और neglect. इग्नोर करना, मिसयूज करना, नेग्लेक्ट करना, एक तरह से मिस अप्रोप्रिएट करना ये भी बोल सकते हो, ढंग से यूज न करना. अगला वर्ड जो मैं लेके आया हूं दैट इज लिंचपिन. ये LINCHPIN के ऐसे भी लिखा जाता है, LYNCH भी लिखा जा सकता है, LINCH भी लिखा जा सकता है, विच इज एक्चुअली अ नाउन. नाउ लिंचपिन होता क्या है? इज अ पर्सन और थिंग दैट इज वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई वस्तु जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो. सो लिंचपिन का हिंदी में मतलब है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, दैट इज लिंचपिन. सेंटेंस था द यूपीआईज फंक्शन एज अ लिंचपिन ट्रांजैक्शन एनेबलर हैज बीन की इन अंडरगर्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. UPI का जो फंक्शन है इट हैज एक्टेड लाइक अ बैकबोन. UPI का फंक्शन डिजिटल पेमेंट्स में इसका बहुत बड़ा रोल है.
सो इट हैज एक्टेड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यूपीआई के थ्रू ही आप ट्रांसफर करते हो, है कि नहीं? सो दिस यूपीआई हैज एक्टेड एज ए लिंचपिन ट्रांजैक्शन एनेबलर, मतलब सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना आपका डिजिटल पेमेंट्स हो नहीं पाता, एनेबलर. एंड दिस हैज बीन की इन अंडरगर्डिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैश से डिजिटल पेमेंट्स के इस पे, तो उस चीज को सपोर्ट करने के लिए ये यूपीआई का बहुत ज्यादा योगदान रहा है. इट हैज एक्टेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट फैक्टर. ओके, इन सपोर्टिंग, अंडरगर्डिंग का मतलब होता है सपोर्टिंग, किसी चीज को नीचे से सपोर्ट करना. जैसे अंडरपिन मैंने बताया था एक पहले सेशन में, अंडरगर्डिंग इज सिमिलर टू अंडरपिनिंग. सिनोनिम लिंचपिन का होगा प्रिंसिपल, जिसका मतलब होता है चीफ या मुख्य, दैट इज प्रिंसिपल. कीस्टोन आल्सो मींस लिंचपिन, द बैकबोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेन स्टे, अगेन ये भी आपका सिनोनिम है. बैकबोन ये भी सिनोनिम है, रीढ़ की हड्डी, दैट विच गिव्स यू सपोर्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंटनिम्स इसका होगा ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट और ट्राइफल. जो चीज जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो ट्रिवियल है, तुच्छ, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है या ट्राइफल है. दिस विल बी दी एंटनिम्स फॉर लिंचपिन. अगला वर्ड जो मैंने उठाया था हिंदू एडिटोरियल से होता है इन लियू ऑफ. इस चीज को कई लोगों ने देखा होगा, कई बार मैगजीन्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड विच इज इन लियू ऑफ. इन लियू ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, जिसका मतलब है उसके बदले, किसी चीज के बदले में. ओके, दैट इज इन लियू ऑफ, हिंदी में कहते हैं बदले में, इसके बदले में. आई वुड गो टू वॉच मूवी रादर देन स्टेइंग स्टे एट होम. आई वुड गो टू वॉच मूवी रादर स्टे एट होम, मतलब मैं मूवी देखने जाऊंगा घर में रहने से बेहतर, के बदले. और रादर गो एंड वॉच मूवी, सॉरी, आई वुड गो एंड वॉच मूवी इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम. तो ऐसे लिख सकते हो. सेंटेंस क्या था इन लियू ऑफ का, ये सेंटेंस था, द गवर्नमेंट्स न्यू इंसेंटिव एम्स टू लेवल द फील्ड बाई ऑफरिंग पेमेंट्स इन लियू ऑफ, विच मीन्स इंस्टेड ऑफ द कमीशंस फॉरगोन बाई लेंडर्स इन वेविंग द मर्चेंट डिस्काउंट रेट दे वुड अदरवाइज हैव लेवीड. तो गवर्नमेंट का न्यू इंसेंटिव किस चीज को एम करता है, इट विल लेवल द फील्ड. वो किस चीज को एम करता है, बाई ऑफरिंग पेमेंट्स, पेमेंट्स ऑफर करेगा बैंक्स को इंस्टेड ऑफ, पहले क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ द कमीशन फॉरगोन बाई लेंडर्स. पहले सब जो कमीशन था वो लेंडर्स को छोड़ना पड़ता था. ओके, लेंडर्स इन वेविंग द मर्चेंट डिस्काउंट. ओके, मर्चेंट का जो भी डिस्काउंट, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो, मर्चेंट आर बिजनेसमैन, तो वो डिस्काउंट हुआ वेव ऑफ कर देते थे, दे वुड अदरवाइज हैव लेवीड. पहले सब एक ऐसे इंसेंटिवाइज करते थे, ये जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को माफ कर दिया जाता था. ओके, वेविंग का मतलब ऑफिशियली कहना कि आपको किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. या कई बार लोन्स माफ होते हैं ना फार्मर्स के, दैट इज लोन वेवर, माफ कर देना. तो पहले सब गवर्नमेंट ये माफ कर देती थी, ये जो आपका कमीशन था और डिस्काउंट रेट माफ कर देती थी. लेकिन अभी क्या करेगी, दे विल ऑफर पेमेंट्स इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डिस्काउंट्स जो अर्लियर करती थी, अभी क्या करेगी, दे विल ऑफर पेमेंट्स. फॉरगॉन का मतलब होता है लीव, छोड़ देना. पहले ये लेंडर्स कमीशन छोड़ देते थे, मतलब गवर्नमेंट छोड़ देती थी, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती थी लेंडर बिजनेसमैन को. उसको वेविंग का मतलब होता है माफ करना, लेविड का मतलब कोई चीज फॉर्मली अप्लाई करना, दैट इज लेविड. जैसे लेविड अ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट दिया, उस सेंस में लिखा जाता है. सिनोनिम इन लियू ऑफ का होगा ऑल्टरनेटिवली, रादर, एज अपोज टू, इन प्रेफरेंस टू, उसके बदले में. ओके, इन लियू ऑफ के सिनोनिम्स. एंटनिम्स होंगे इसके मोर ओवर, इन एडिशन टू और फर्दर मोर, इसके बदले में नहीं, इसके एडिशन में, इसके अलावा. मोर ओवर, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, बिसाइड्स, ये सब इसके एंटनिम हो जाएंगे इन लियू ऑफ के. अगला वर्ड जो मैंने उठाया था दैट वाज इन विजन. इन विजन इज एक्चुअली अ वर्ब जिसका मतलब होता है इमेजिन और विजुअलाइज, किस चीज को इमेजिन करना. हिंदी में हम कहते हैं कल्पना करना, कल्पना करना, दैट इज एनविजन टू इमेजिन और विजुअलाइज. ओके,
सेंटेंस था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टू स्पोक ऑफ इंडियाज नीड टू एनविजन अ कॉमन फ्यूचर विद द ग्लोबल साउथ एंड अक्नॉलेज इंडियाज कॉमन पास्ट विद द ग्लोबल साउथ मैनी ऑफ हुम हैव सफर्ड कॉलोनियलिज्म। सो ये G20 में ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बात की, स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ये कहा इंडिया नीड टू एनविजन, इंडिया को इस चीज को इमेजिन करना चाहिए कॉमन फ्यूचर ग्लोबल सदर्न कंट्रीज के साथ, जो है ग्लोबल साउथ के साथ एक कॉमन फ्यूचर हमें साथ में मिलकर प्रोग्रेस करने की कल्पना करनी चाहिए एंड अक्नॉलेज इंडियाज कॉमन पास्ट। उनको उन ग्लोबल साउथ कंट्रीज को ये भी मानना चाहिए कि इंडिया का भी उन्हीं के तरह कॉमन पास्ट रहा है विद द ग्लोबल साउथ, क्योंकि ग्लोबल साउथ में भी कई सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने कोलोनियलिज्म झेला है। कोलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश रूल, कोई और कंट्री आपको आके रूल कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज को अपने कब्जे में कर रहा है, जैसे ब्रिटिश करते थे। दे वर नॉट ओनली रूलिंग इन इंडिया, दे वर रूलिंग मेनी अदर कंट्रीज एज वेल, तो इसको हम कहते हैं कोलोनियलिज्म। ओके, रूलिंग सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम, हर कंट्री में उन्होंने अपना एक कॉलोनी एस्टैब्लिश किया था, तो उसको हम कोलोनियलिज्म कहते हैं। एक्नॉलेज मतलब एडमिट, इस चीज़ को मानना होगा बाकी कंट्रीज को भी कि उनका भी कॉमन पास्ट रहा है इंडिया के तरह, यही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा। एनविजन का सिनोनिम होगा कंसीव, जिसका मतलब होता है अगेन इमेजिन, कंटेम्पलेट, एनविसेज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे एनविजन के। एंटोनिम्स एनविजन के होंगे डिसरिगार्ड, लुक अवे और नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करना, अटेंशन पे नहीं करना, मतलब फर्क न पड़ना, नॉट इमेजिनिंग एनीथिंग और नॉट इन्विजनिंग, डिसरिगार्ड, लुक अवे, निग्लेक्ट, ये सब आपके एंटोनिम्स हो सकते हैं इस वर्ड के। पांचवा वर्ड जो मैं लेके आया था वो है फोर्ज। फोर्ज इज एक्चुअली अ वर्ब टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल। जनरली फोर्ज तो वर्ब उससे वर्ड उससे आया है जब आप आयरन की चीजें हैं, लोहे की चीजों को जब आकार देते हैं उसको हम फोर्जिंग कहते हैं। बट यहाँ पे जो आर्टिकल में फोर्ज था वो दूसरे मीनिंग के हिसाब से था, जिसका मतलब पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल, किसी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए एफर्ट लगाना। हिंदी में समझो तो विकसित करना, किसी चीज को बेहतर बनाना, विकसित करना, दैट इज हिंदी ऑफ फोर्ज। सेंटेंस था ऑफ नोट टू वॉज द इंक्लूजन ऑफ म्यांमार हुज जनता रेजिम हैज नॉट बीन रिकग्नाइज बट विथ विच इंडिया हैज चोजन टू फोर्ज क्लोजर टाइज। इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, उसको भी अपने कंबाइन कर लेना, इंक्लूड कर लेना, दैट इज इंक्लूजन। हु जनता रेजिम, जनता रेजिम है जहां मिलिट्री रेजिम होता है, ऐसे कंट्रीज को जनता रेजिम कहते हैं। अभी आपको पता है कि म्यांमार में पिछले कुछ सालों में काफी मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट को, और मिलिट्री ही अभी रूल चला रही है। सो यहां पर क्या कह रहा है, हु जनता रेजिम हैज नॉट बीन रिकग्नाइज्ड, उसके जनता रेजिम को कई सारे कंट्रीज रिकग्नाइज नहीं करते हैं मिलिट्री रेजिम को, बट विथ विच इंडिया हैज चोजन टू फोर्ज क्लोजर टाइज। इंडिया ने ये चूज किया है कि उनके साथ और भी नजदीकी रिश्ता डेवलप करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। तो फोर्ज का सिनोनिम होगा डेवलप, क्राफ्ट, इवॉल्व और थ्राइव, और भी ज्यादा एफर्ट लगाना। सो सेंस में डेवलप, क्राफ्ट, इवॉल्व और थ्राइव। एंटोनिम्स होगा डिक्लाइन, रेट्रोग्रेस और स्टंट, कोई चीज पीछे के तरफ जाना, दैट इज रेट्रोग्रेस। स्टंट मतलब सही तरीके से ग्रोथ ना होना, नॉट डेवलप प्रॉपरली, डिक्लाइन का मतलब भी नीचे जाना। सो दीज वर द फाइव वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए काफी फायदेमंद हो रहे होंगे। 7-8 सेशंस के बाद मैं क्विज लेके आऊंगा, मैंने परसों भी एक क्विज आपका करवाया था, देखना जरूर उसे, तो इससे क्या होगा एक प्रकार से आपको रिविजन भी हो जाएगा एंड यू कैन टेस्ट योर नॉलेज एज वेल। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2023 गाइस, वी ऑलरेडी हैव अ बैच दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द 26th ऑफ डिसम्बर, उम्मीद 2023 बैच। यू कैन यूज दिस कोड UDM10 टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट। इसके अलावा AFCAT का हम एक प्रैक्टिस बैच भी ला रहे हैं। फॉर AFCAT वी आर लॉन्चिंग अ प्रैक्टिस बैच ऑन द 26th ऑफ जनवरी। सो प्रैक्टिस बैच, अगर आप ब्रशअप करना चाहते हो अपने स्किल्स नॉलेज को, यू कैन ज्वाइन दिस प्रैक्टिस बैच। स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन द अनअकैडमी डिफेंस मेंटर्स टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोटिफिकेशंस अबाउट द सेशंस।
एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। याद रखना रोज 2 बजे मैं प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब में लाता हूँ, 8 बजे आपके ऐप पे होता है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दैट वॉज इट इन दिस सेशन, होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट। मिलते हैं अगले सेशन में, रेगुलर रहिएगा। गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।